हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भारतीय लोगों में भगवान के नाम पर कितनी गहरी आस्था है इसके बारे में पूरा जग जानता है। यहाँ आस्था से किसी को भी भगवान का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसी ही आस्था का प्रतीक यहाँ सामने आया है। ये जीती जागती मिसाल लखनऊ के मूसा बाग में है। जी हाँ, यहाँ एक बड़ी ही फेमस मजार है जिसे सिगरेट बाबा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला जो कोई इंसान मजार पर सिगरेट चढ़ाता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह मजार एक अंग्रेज सैनिक के नाम पर बनी है। इस मजार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही आस्था का बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि कैप्टन वेल्स उर्फ कप्तान साहब उर्फ सिगरेट बाबा के नाम पर बनी इस मजार पर दूर दूर से लोग आते हैं। इन्हीं भक्तों ने अपनी आस्था से कैप्टन वेल्स को एक संत का दर्जा दे दिया है। खास गुरुवार को यहाँ मजमा लगता है। मजार पर सिगरेट चढ़ाने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि कैप्टन वेल्स को सिगरेट का बेहद शौक था, इसलिए यहाँ आने वाले लोग मजार पर प्रसाद की सिगरेट चढ़ाते हैं। उनकी मान्यता है कि सिगरेट चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होंगे और उनकी मुरादें पूरी करेंगे। मजार पर जाने के लिए आपको लखनऊ शहर से बाहर हरदोई रोड से कुछ दूरी पर मूसा बाग के खंडहर नजर आएंगे। इन्हीं खंडहरों के पीछे स्थित है हजरत सैयद इमाम अली शाह की दरगाह। इसी दरगाह से थोड़ा आगे खेतों के बीच यह मजार है। गौरतलब हो मूसा बाग का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 में अपनी आरामगाह के रूप में करवाया था। एक किंवदंती है कि नवाब साहब ने यहां पर एक चूहे को मारा था, बस तभी से इसका नाम मूसबाग पड़ गया। लेकिन सन 1857 की लड़ाई में मूसबाग की इमारतें अंग्रेज सैनिकों और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच चली गोलाबारी में तहस नहस हो गई। यही वजह है कि आज यहां केवल इनके खंडहर ही शेष रह गए हैं।